कोरोना पेशेंट्स ने यह गलती नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार तज्ञ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, कोरोना का इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 2 से 14 दिन। इसका मतलब ये होता है कि कोरोना अपने बॉडी में जाने के बाद उसके लक्षण दिखाई देना चालू करेगा 2 से 14 दिन बाद में। एवरेज टाइम इसका जो पाया गया है वो है 5 दिन का, मतलब कोरोना अंदर जाने के बाद में 5 दिन के बाद में लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि अंदर जब जाता है तो वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है, और जब वो अंदर है तो उसी समय है कि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए बोलते हैं मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि सामने वाला इनक्यूबेशन पीरियड में है क्या, उसके अंदर कोरोना वायरस घुसा है क्या, हमको मालूम नहीं, क्योंकि लक्षण कुछ भी दिखाई देते नहीं पहले 5 दिन, वो है इनक्यूबेशन पीरियड। तो ये एक इनक्यूबेशन पीरियड एक बार अंदर घुसने के बाद में 5वें दिन समझो हम पकड़ते हैं कि वो कोरोना के लक्षण दिखाई देना चालू हो जाएंगे। अभी गलती कहाँ होती है, क्या होता है कि सबसे पहले शुरू में समझो उसको गले में खराशी, जुकाम, सीक आ गई, तो बोलता ठीक है यार थोड़ा ये वायरल इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ तो भी ख्याल देते नहीं लोग उसके तरफ, और वो ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा भाप भी लेंगे या कुछ गोली खा लेंगे और बोलेंगे ठीक है अभी मैंने गोली खा लिया है और उससे अच्छा हो जाएगा, तो लोग ख्याल देते नहीं। तो पहले 2 दिन जुकाम, सीक आना, नाक बहना, ये लक्षण दिखाई देते हैं, खांसी रहती नहीं, बुखार रहता नहीं। 3रे दिन उसको बुखार आता है, वो भी 99 पॉइंट समथिंग है, तो उसके तरफ भी ख्याल दिया जाता नहीं, बोले अभी बहुत गर्मी है, चलते रहता है, ऐसा लगता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा है, तो कुछ ख्याल देते नहीं लोग, और वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर 4थे दिन बुखार 100 हो जाता है, तभी भी लोग बोलते ठीक है अभी थोड़ी सी गोली खा लो पैरासीटामोल की और गर्मी है पानी पी लो ठीक हो जाएगा करके, फिर ख्याल देते नहीं है। देखो 4 दिन हो गए, 5वें दिन उसको आती है खांसी, और फिर अलार्मिंग सिम्टम्स तैयार हो जाते हैं कि अभी खांसी भी आ गई, बुखार भी, अभी डॉक्टर के पास में जाओ। अब जाता है वो डॉक्टर के पास में। एक्चुअली हुआ क्या, पहले 5 दिन हमने गंवा दिए, जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है 5वां दिन जो है वो इधर गिरेगा कि इधर गिरेगा, ये बहुत महत्व का है। इधर भी गिर सकता है, इधर भी, मतलब क्या है कि 5वें दिन में वो सीरियस भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है, मगर अभी 5 दिन तक उसको दवाई मिली नहीं। एक्चुअली उसको 5 दिन दवाई मिलती रहती है तो फिर उसको फायदा होता रहता है। अब डॉक्टर क्या करता है, 6वें दिन या 5वें दिन जहाँ जब भी आप जाते हैं तब दवा देता है और आपको 5 दिन के बाद में बुलाता है। अब 5 दिन आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन देखते नहीं है, ना थर्मामीटर से फीवर देखते हैं, और वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, आप वो देखेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी और ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं। RT-PCR भेजते नहीं है, या RT-PCR भेज दिया तो भी उसका रिपोर्ट 2-3 दिन बाद में आएगा। अभी 5 और 10 दिन ये जो दिन है महत्व के, उस दिन एक्चुअली स्टेरॉइड चालू करना कि नहीं करना, एंटीकोएगुलेंट देना कि नहीं देना, बाकी एंटीफंगल देना कि नहीं देना, एंटीबायोटिक देना कि, सब डिसाइड हो जाता है, ऑक्सीजन देना कि नहीं देना, सब डिसाइड होता है ये दिनों में, और ये दिन भी लोग घर में बैठते हैं। और 10वें दिन जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत दम लग जाता है, ऑक्सीजन भी लेना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन अभी 90 के नीचे आ गया, फिर भागा दौड़ी चालू हो जाती है लोगों की। तो ये कभी मत करो, बिल्कुल पहला एकदम अभी सतर्क रहना है कि जुकाम, गले में खर्रासी, नाक बहना कब शुरू हो गया, उसी दिन डॉक्टर के पास में जाने का है, अनलेस प्रूव अदरवाइज वो कोरोना है समझो। तो ये गलती आप नहीं करेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो जाएंगे। और एक गलती जो लोग करते हैं वो है वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन मिल गया अभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद में भी लोगों को कोरोना हुआ है, वैक्सीनेशन लेने के बाद में कोविशील्ड का जो वैक्सीन है वो 70% असरदार है, कोवैक्सीन जो है वो है 78%, स्पुटनिक जो है वो है 92-97%, अभी ऐसे रिजल्ट्स आए हुए हैं, ये स्टडीज अभी की है। तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन होने के बाद में भी आपको कोरोना हो सकता है, फर्क इतना है कि आपको ऑक्सीजन पे या वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मगर हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद में भी मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखना चालू रखो, कोरोना बाद में भी हो सकता है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है वैक्सीन लेने के बाद में। तो ये यदि मिस्टेक्स आप टाल देते हैं तो डेफिनेटली कोरोना जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, जल्दी इलाज चालू हो जाएगा और आपकी जान बच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।